बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म क्रिस्पी वेज बॉल्स मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल द होम किचन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चीज़ बॉल्स की रेसिपी, बाहर से एकदम क्रिस्पी एंड अंदर से सॉफ्ट एंड चीज़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी शुरू कर लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ टू मेक परफेक्ट क्रिस्पी वेज चीज़ बॉल्स। बट उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। ऑल्सो, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे जितना पॉसिबल है उतना शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बड़ा बोल ले रही हूँ और बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 4 बॉइल्ड पोटैटोज़। पोटैटोज़ को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है, पील कर लिया है और मैश भी कर लिया है। देन मैं ले रही हूँ 1 कप फ्रेश ग्रेटेड पनीर, आधा कप मैंने ओनियन ले लिया है यानी एक बड़ा प्याज ले लेंगे, 1/4 कप कैप्सिकम, 1/4 कप येलो बेल पेपर, 1/4 कप रेड बेल पेपर, 1/4 कप मटर। ऑल्सो फ्रेंड्स, मटर को भी हम थोड़ा सा बॉईल करके ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 1 कप बॉइल्ड कॉर्न, यहाँ पर कॉर्न को मैं हल्का सा पानी में बॉईल करके फिर ऐड कर रही हूँ ताकि वो थोड़े बहुत सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। अब मैं डाल रही हूँ 1 मुट्ठी हरा धनिया बारीक काट करके, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा बारीक चॉप करके डाल देंगे, 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड कर देंगे फाइनली चॉप करके। देन हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, मैंने डाला है 3/4 टेबलस्पून, 3/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़े से हम ऑरिगेनो भी ऐड करेंगे। देन मैं डाल रही हूँ थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स, जिसमें है रोजमेरी एंड थाइम। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप प्रोसेस्ड चीज, ऑल्सो मैं डाल रही हूँ 1/4 कप ही मोजरेला चीज। तो फ्रेंड्स, अगर आप चीज की क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं टू मेक इट मोर चीजी। देन हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप ब्रेड क्रम्स, मैं होममेड ब्रेड क्रम्स ही ऐड कर रही हूँ। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से चीज़ बॉल्स परफेक्टली क्रिस्पी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हैं हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स चीज़ बॉल्स के लिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले, वेजीज एंड चीज़ एक साथ कंबाइन हो जाए। तो ये सारी वेजीज को मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप करके ऐड किया है। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप अपने मनपसंद के हिसाब से इसमें वेजीज ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा वेज चीज़ बॉल्स का मिक्सचर एकदम रेडी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज इस मिक्सचर में चिली पाउडर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अगर आप इसे स्पाइसी बनाना चाहें तो आप इसमें चिली ऐड कर सकते हैं। तो अभी इस मिक्सचर को हम साइड में रख देते हैं एंड बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बोल ले रही हूँ एंड इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या फिर कॉर्न स्टार्च, 2 चम्मच मैदा डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हमें बैटर बनाना है तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे बिकॉज हमें जो स्लरी प्रिपेयर करनी है वो बहुत ज़्यादा फ्लोइंग नहीं होनी चाहिए एंड बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बस इसी कंसिस्टेंसी का मिक्सचर हम प्रिपेयर करेंगे एंड जस्ट मेक श्योर कि इस मिक्सचर में कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चीज़ बॉल्स बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें रेडी कर ली है, चीज़ बॉल्स का मिक्सचर, कॉर्नफ्लोर एंड मैदा की स्लरी एंड ब्रेड क्रम्स, एंड दीज आर होममेड ब्रेड क्रम्स। एंड देन द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पर ले रही हूँ खूब सारे चीज़ क्यूब्स। इसकी जगह पर आप कोई भी टाइप का चीज़ भी ले सकते हैं, लाइक चेडर, मोज़रेला और द प्रोसेस्ड चीज़, जो भी आपको पसंद है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, जिस भी साइज़ का आप चीज़ बॉल्स बनाना चाहते हैं
उस अमाउंट में आप थोड़ा सा मिक्सचर ले लीजिए और उसे थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए, तभी तो हम उसमें स्टफिंग कर पाएंगे चीज़ की। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के चीज़ बॉल्स बना रही हूँ, ना बहुत ही छोटे एंड ना ही बहुत बड़े बड़े। तो ये थोड़े से मिक्सचर को मैंने अच्छे से शेप दे दिया है ताकि हम इसके अंदर चीज़ की फिलिंग कर पाएँ। एंड अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ 1 चीज़ क्यूब। आप चाहें तो चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, या फिर आप ओनली वेज बॉल्स बना रहे हैं तो आप चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इस चीज़ बॉल को हम अच्छे से पैक कर लेंगे, जस्ट मेक श्योर कि चीज़ मेल्ट होकर बाहर नहीं आना चाहिए। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेप, चीज़ बॉल को हम कॉर्नफ्लोर स्लरी में डिप करेंगे और जो भी एक्सेस लिक्विड है उसे ड्रॉप होने दें। देन इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान चीज़ बॉल्स बनाना। तो ये हो गए वेजी बॉल्स रेडी। तो बस इसी तरीके से हम सारे चीज़ बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे चीज़ बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब आता है इन्हें फ्राई करने का टाइम। बट उससे पहले हमें क्या करना है, हम इसे रखेंगे फ्रीज़र में अच्छे से चिल करने के लिए, उसके बाद में ही हम इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे एक दिन पहले भी बना करके रख सकते हैं, और अगर आप इंस्टेंटली बना रहे हैं तो आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में रखने के बाद जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, 1 घंटे बाद मैंने ये चीज़ बॉल्स को फ्रीज़र से निकाल लिया है और ये एकदम अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है एंड ऑयल को हमने गरम भी कर लिया है। चीज़ बॉल्स को हम मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। एक एक करके बड़े आराम से हम चीज़ बॉल्स को गरम गरम ऑयल में ऐड कर देंगे, और इसे आप बीच बीच में स्टर भी करते रहें ताकि हमारे चीज़ बॉल्स अच्छे से फ्राई हो जाएं एंड क्रिस्पी भी हो जाएं। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, वेज चीज़ बॉल्स एकदम क्रिस्प एंड गोल्डन हो गए हैं। तो इसे हम ऑयल से निकाल लेंगे। इसे आप निकाल के टिश्यू पेपर पे रख ले ताकि जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो पेपर सोक कर लेगा। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से हम और भी चीज़ बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि चीज़ बॉल्स को हम एकदम गर्म ऑयल में नहीं डालेंगे, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाएंगे बट क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सेकेंड बैच ऑफ चीज़ बॉल्स भी तैयार है। इसे भी हम ऑयल से निकाल लेंगे, और इसी तरीके से मैं सारे चीज़ बॉल्स फ्राई कर रही हूँ। तो आज इस रेसिपी के लिए मैंने बहुत सारी वेजीज़ का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो ओनली चीज़ बॉल्स भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक बास्केट जिसमें मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है, और ये रहे हमारे सारे क्रिस्पी चीज़ी वेज बॉल्स। एक एक करके हम चीज़ बॉल्स को बास्केट में ऐड कर देंगे एंड साथ में हम सर्व करेंगे चिली मेयो। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म वेज चीज़ बॉल्स तैयार है, एकदम परफेक्टली क्रिस्पी एंड चीज़ी। है ना इसे बनाना बहुत ही सिंपल। तो आप भी इस मॉनसून में एंजॉय कर सकते हैं क्रिस्पी वेज चीज़ बॉल्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर इट विथ योर फूडी फ्रेंड्स। सो नाउ इट्स टाइम फॉर टेस्ट टेस्ट। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉल्स एकदम परफेक्टली क्रिस्पी हैं। एंड ये देखिए द चीज़ पुल, isn't it looking yummy? देख कर ही मुँह में पानी आ गया। तो देर किस बात की है, आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं परफेक्टली क्रिस्पी वेज चीजी बॉल्स। एंजॉय। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू सून विद अ न्यू रेसिपी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।